नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 का खास कार्यक्रम चुनावी सफर। आज हम बस्तर विधानसभा से नारायणपुर विधानसभा तक का सफर तय करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनाव का माहौल क्या कह रहा है, क्योंकि 10 साल बीजेपी की सरकार रही है। इस सरकार में केंद्र की जो योजनाएं थी वो कितने निचली स्तर तक पहुंची है, कितने योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है और चुनावी मुद्दे क्या कहने वाले हैं, क्या कह रहे हैं चुनावी मुद्दा। इस सफर में सभी लोगों से, सभी यात्रियों से बातचीत करेंगे और आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये सफर बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत होगी लोगों से और जिस जो माहौल निकल कर आएगा, क्योंकि चुनावी सफर न्यूज 24 का यह खास कार्यक्रम है और इस सफर में पूरी तरीके से हमारी यही कोशिश रहती है कि जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनसे ये चीज़ निकल जाए कि क्या माहौल कह रहा है लोगों, लोग क्या सोच रहे हैं। मोदी लहर तो हालांकि सभी कहते हैं, लेकिन इस मोदी लहर में इन यात्रियों का क्या रुझान है, योजनाओं का कितना लाभ जो है यहाँ पर मिल रहा है, क्या सोचते हैं इस बार का सफर कितना खास होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बस्तर के ऊपर सभी की नजर है। इस बार बहुत अच्छा सफर रहेगा बीजेपी का, क्योंकि योजनाओं का लाभ बहुत लोगों को मिला है, निचले स्तर तक लोगों को जो है, जैसे एक आध योजना बताएंगे आप। माता हरि वंदन योजना है, ये तो अभी हाल ही में हुई थी। किसान बहुत खुश है इससे, क्योंकि कांग्रेस में किसान जो है बड़े दुखी थे। कांग्रेस तो किसानों के लिए बहुत अच्छा काम की थी, उसके बाद काम तो की थी, पर जो उनका जो बोनस आने का था वो लेट आता था, तो उससे किसान थोड़े से परेशान थे। अच्छा, केंद्र की योजनाओं की बात करें तो केंद्र के 10 साल में जो सरकार रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रहे हैं, इस 10 साल में लोगों को, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो पीएम आवास हो, इन योजनाओं का कितना लाभ मिला है, क्या आप भी उस योजना का लाभ ले लिए हैं? जी हाँ, उस योजना का लाभ जो है गांव-गांव में मिला है और बहुत अच्छे से मिला है। ठीक है, चलिए और भी अंदर बात करते हैं, यात्री काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद हैं, तो लोगों से बातचीत करते चलेंगे और यात्रा को काफी खास बनाएंगे। इस बार जो है बस में काफी ज्यादा भीड़ है, अलग अलग लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि गर्मी का माहौल भी है और चुनावी सरगर्मियां भी काफी तेज है, चूंकि यहाँ की बात करें तो तकरीबन 39 डिग्री अभी तापमान चल रहा है और इस भीषण गर्मी में जब लोग सफर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भड़ासें जो है वो निकलती है। महिलाओं से शुरुआत करते हैं। मैम, कहाँ से हैं आप? मैं बीजापुर से। अच्छा, बीजापुर से हैं। अभी चुनाव है, लोकसभा चुनाव, जानकारी है इसकी? जी। कब है चुनाव? 19 अप्रैल को। क्या माहौल कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, बीजेपी है आगे की कांग्रेस? हाँ, बीजापुर में बीजेपी की बात कर। आप कहाँ से हैं मैम? सुकुरपाल से हैं। अच्छा, जो भाजपा की सरकार थी, इतना सारा योजना चला, उसमें महतारी वंदन योजना चल रहा है, उसका लाभ तो मिल रहा होगा आपका? मिला लाभ उसका? मिला है। पैसा आया? हाँ। कितने बार? एक बार हुआ। अभी तो 3 तारीख को आया ना, आया है, क्या पता, नहीं बीच वाले मारे जाते हैं बेचारे। क्या बोले? बीच वाले की कुछ नहीं है क्या, गरीब की क्या, बड़े वाले, और बीच वाले बीच में फंस जाते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं। हालांकि सरकार को बीच वाले का व्यवस्था करनी चाहिए, बल्कि कहीं भी रहो, सरकार बने उस सरकार को बीच वाले को सोचना चाहिए। महिलाओं की बात करें तो महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई भी ज्यादा हो गई, और क्या है, बीच उनको तो 2 रुपया 3 किलो चलो मिल जाता है। हाँ। बीच वाले मारे जाते हैं, बड़े पैसे वाले वो आराम से खर्चा निकाल देते हैं। हाँ। और बीच वाले सब मारे जाते हैं उनका। मैं तो बोलती हूँ सरकार कोई भी जीते, बीच वाले का मतलब व्यवस्था सही करने, सभी वर्गों का व्यवस्था होना चाहिए, खाली निचली तबके के नहीं। हाँ, जब भी जानू सरकार है। बिल्कुल, ये बहुत सत्य बात है कि जब व्यवस्थाएं हो रही है तो सभी की व्यवस्थाएं की जाए, ये नहीं कि जो गरीब तबके के लोग हैं सिर्फ उन्हीं की व्यवस्थाएं हो, तो बीच वाले जो है काफी नाराज होते हैं, जिस तरीके से नाराजगी यहाँ पर जाहिर की गई। आप कहाँ से हैं? कोंडा गाँव से। अच्छा, अभी चुनाव की जानकारी है आपको? नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं, हम वोट देंगे। अच्छा, कुछ मिलने वाला नहीं, क्या मिलेगा अभी तो कुछ नहीं, हम लोग को मना कर दिए सर्विस वाले, नहीं बोल दिए। अच्छा, सर्विस वाले को नहीं मिला, क्राइटेरिया ला दिए, लेकिन घोषणा पत्र में क्राइटेरिया नहीं थी ना? हाँ, नहीं। हाँ, वो तो सभी को मिलेगा बोल रहे थे, नहीं मिला ना? नहीं मिला, लेकिन सर्विस वाले को नहीं मिला, नहीं बोल दिया। ठीक है, सब बढ़िया है, बढ़िया है, वोट करना है लेकिन मिले ना मिले? हाँ, मिला ना मिला, वोट करेंगे। अच्छा, कहाँ सर्विस करती हैं? सर्विस में नहीं है, पति थे सर्विस में। अच्छा, पति सर्विस में, हाउस वाइफ हैं आप। महंगाई एक बड़ा फैक्टर है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है सब विरोध करते हैं, आप भी देख रही होंगी किचन संभालने में काफी परेशानी होती है। नहीं, सब बढ़िया है, हम देंगे जो है मांग करेंगे, हम जो इच्छा है वो पूरा करेंगे, वोट तो हमारा चुपते ही नहीं, अधिकार है, अधिकार है, वोट देंगे। हाँ, दे देंगे।
मिले ना मिले। चलिए, योजना का लाभ मिले ना मिले, लेकिन वोटिंग करना जरूरी है, ये हमारा अधिकार है। और मतदान जितना प्रतिशत बढ़ता है तो वो लगता है, क्योंकि बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर में मतदान प्रतिशत काफ़ी डाउन होता है, क्योंकि जागरूकता का अभाव होता है, लोगों को जानकारी नहीं होती कि मतदान कब है और कौन सा चुनाव चल रहा है। जिस तरीके से मैंने पिछले बार बात किया था तो कई लोगों को जानकारियां नहीं थी कि वोटिंग कब करना है, किस कौन सा चुनाव यहाँ पर चल रहा है। आप कहाँ से हैं साहब? बस्तर से। यहीं बस्तर से? हाँ। क्या करते हैं? कृषि करता हूँ, खेती करता हूँ। अच्छा, खेती करते, किसान है? कितना खेती है? 5-6 एकड़ है। धान बेचे? हाँ बेचे ना। हाँ, कितना कितना में बिका धान? 2300 अभी डाला, पहले तो 2000 जो मूल है वो डाला। हाँ, हाँ। और अभी जो बाकी राशि अभी डाला है। अच्छा, 10 साल सरकार रही, उसमें जो योजनाएं चली, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, वो चाहे आयुष्मान कार्ड हो, इसका लाभ मिला? लाभ तो मिला है, कई चीज में किसी हर किसी को नहीं मिला है। हाँ। किसी व्यक्ति को मिला है जो जागरूक है उसको मिला है, जो जागरूक नहीं है उसको नहीं मिला है। आपको लाभ मिला उज्ज्वला योजना का? नहीं 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 मिला है मेरे को। नहीं, क्यों नहीं मिला? उस क्राइटेरिया में नहीं आया क्या? नहीं नहीं आया, मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ। तो आप फिर कैसे करते हैं, महंगा सिलेंडर खरीदते हैं? अब जो है कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्या करोगे। आयुष्मान कार्ड? हाँ ना, उसको यूज किया हूँ मैं। उसको यूज किया? हाँ, ओ उसका लाभ लिया हूँ मैं। अच्छा, बस्तर की बात करें तो बस्तर में क्या मुद्दा कह रहा है, किसान की बात करें या फिर अन्य जो निचली तबके के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है मुद्दा बस्तर में? अब देखिए, सरकार क्या बोलूँ, सरकार जैसा चाहेगी और जैसा योजना है उसको पूरा करेगी सरकार, फिर उसी की बनेगी। अच्छा, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में 5 साल की सरकार रही, किसानों के लिए भूपेश बघेल कह रहे थे कि काफी काम किए हैं, आप भी किसान रहे हैं, तो क्या अंतर लगता है भाजपा की सरकार में और कांग्रेस ने किए हैं? देखिए, 5 साल पहले किसान के जैसे भूपेश बघेल की सरकार छूट लेंगे बोले, तो कई किसान लोग को छूट मिला, कई राहत पाए, और जैसे बेरोजगार भत्ता मिलता था 2500, जब से भूपेश अब सरकार चेंज तो बेरोजगार भत्ता बंद, 2500 मिलता था वो भी बंद हो गया, अभी कांग्रेस सरकार छूट भी दिया था, अभी अब देखो भाजपा सरकार क्या करती है अभी किसानों के लिए है ना। आप युवा है, कहाँ से हैं? जी, मैं कोंडा गांव से। कोंडा गांव से क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है। रोजगार की बड़ी समस्या है, बेरोजगार काफी पढ़े लिखे लोग है बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? बेरोजगार को काम मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए जो हमको मिलता है। वोट किए हैं विधानसभा चुनाव में आप? नहीं, अभी उम्र नहीं हुआ है। अभी उम्र नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब कि आप भी पढ़ाई करके जाएंगे तो रोजगार की तलाश रहेगी आप? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बस्तर में चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, बेरोजगार लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और रोजगार की तलाश में यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ भी नहीं हैं कि उन्हें रोजगार मिल सके। सर, आप कहाँ से? रायपुर। रायपुर से? सर, क्या कह रहा है छत्तीसगढ़ का राजनीति? जो युवा है जी, उसको तो विकास चाहिए जी, लेकिन साथ में उसको रोजगार चाहिए, भूखे पेट भजन नहीं वाला। लोक लुभावन वादों से कुछ नहीं होता, जिसको विकास चाहिए और जिसको नहीं चाहिए उसको पहले आइडेंटिफाई करें। अगर यदि हम ग्रामीणों की बात करें तो उनके पास बहुत कम लालसा इच्छा रहती है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी हम उनको विकास थोपते हैं। शहर में सबको सब चाहिए लेकिन सबको नहीं मिलता, हर चीज़ का राजनीतिकरण है, भ्रष्टाचार है। सरकारें जो फ्री में दे रही हैं, चाहे चावल की बात करें, चाहे मातारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये दे रही हैं, क्या ये सही है? देखिए, महिलाओं को स्वावलंबन या सशक्तिकरण करने के लिए हम एक मुद्दा लाएं, यदि हम उसको दूसरे ढंग से बोलें कि हम महिलाओं को पैसा दे रहे हैं वोट के लिए, तो कैसा लगेगा? कई लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि ये मुद्दा इसलिए अच्छा लगता है कि महिलाओं के पास पैसा रहता है तो खुश रहते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। आदमी जो है ना पैसे से ही ऊपर नीचे होता है, हस्बैंड क्या करता है क्या नहीं करता लोग नहीं जानते, महिलाओं को जब पैसा मिलता है तो घर अच्छे से चलाती है, बहुत सारी उनकी इच्छाओं को पूरा करती है। देखिए, ये इस 12000 से उनको कमजोर मत बनाए, 12000 हो सकता है खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? लेकिन एक महंगाई बहुत बड़ा सेक्टर है, महिला इससे भी काफी ज्यादा परेशान रहती है, क्योंकि किचन संभालना होता है उनको, चाहे तेल हो चाहे सब्जियां हो, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है इस पर लगाम लगनी चाहिए। देखिए, हम बाजार में टमाटर खरीदने जाते हैं 2.5 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो तक साल भर भाव रहता है, अब ये भाव क्यों और
कैसे होता है इसको महिलाएं नहीं जानती, लेकिन घर में टमाटर होना चाहिए। बिल्कुल, टमाटर की जो है जो सब्जी में पड़ता है टमाटर, स्वाद काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और लोगों से बातचीत करेंगे, युवा भी हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं सरगुजा अंबिकापुर। सरगुजा से हैं, अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव है जानकारी है? हाँ। कब है चुनाव? हमारे यहाँ 7 मई को सरगुजा साइड। 7 मई को? 7। क्या माहौल लग रहा है युवाओं के लिए अगर देखा जाए तो, मुद्दे क्या कहते हैं? मुद्दे तो अभी फिलहाल उस विषय में क्या चर्चा करूँ, मैं अभी तो यहाँ जगदलपुर में हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप रोजगार करते हैं? क्या करते हैं आप? बीटेक। अच्छा, बीटेक पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब रोजगार की तलाश तो रहेगी ना आपको? अभी 3 साल के बाद रहेगी। 3 साल के बाद। कई ऐसे पढ़े लिखे हैं जो इंजीनियर हैं, बीटेक किए हुए हैं, लेकिन वो रोजगार तलाश रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहे। बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की, क्या होना चाहिए कि ये बेरोजगारी को हटाया जा सके? इसके लिए नए नए कुछ योजनाएं लाना चाहिए, योजनाएं, ताकि या तो फिर सरकार को ही छत्तीसगढ़ सेंट्रल लेवल से ही, और कुछ नए नए कंपनीज का ही, या इंडिया में वो होना चाहिए, कंपनियां आनी चाहिए, ताकि तभी कुछ और इंजीनियर्स को यहाँ के जॉब मिल पाएंगी। बिल्कुल, और यही सब कुछ और हैं, एक आध दो पॉइंट्स हैं। बिल्कुल, देखिए जब प्राइवेट कंपनियां आती हैं तो सरकारी काम तो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन प्राइवेट में ही रोजगार मिलता है तो 2 पैसा युवाओं को आमदनी होता है और वो काफी सशक्त होते हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर आप कहाँ से? मैं कांकेर से। कांकेर से हैं, कांकेर में क्या माहौल चल रहा है? सेकेंड फेज में कांकेर में चुनाव है 26 तारीख को, क्या स्थिति है, क्या कैसे देखते हैं उसको? कांकेर में एक अच्छा माहौल चल रहा है। मुद्दों की बात करें तो बस्तर छोड़ दीजिए, मुद्दों को जो भी है मुद्दा, लेकिन एक जो चुनाव चल रहा है जैसे चल रहा है, और जो भी काम कर रहा है, जो देश के लिए कर रहा है, वही सबसे बेटर है। अच्छा, 10 साल नरेंद्र मोदी काबिज रहे, और जिस तरीके से योजनाओं, केंद्र की योजनाएं चली, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, मैतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ की है, और इसके अलावा जो पीएम आवास हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, इसका लाभ मिल रहा है? हाँ जरूर, डेफिनेटली, क्यों नहीं, सबको मिल रहा है इसका। मुझे तो मिला है, मुझे तो, मैं बोल सकता हूँ मुझे मिला है, तो मैं तो बोलूँगा ही बोलूँगा। क्या लहर चल रहा है? लहर की तो बात मत करो, जो है वही है, दिखाई दे रही है। बातों से लग रहा है कि फिर से नरेंद्र मोदी? यस यस, डेफिनेटली 100% फिर से आ रहे हैं वो? जरूर। ठीक है, चलिए, बस्तर में प्रथम चरण में चुनाव है तो बस्तर में ही सभी का फोकस है, क्योंकि 19 अप्रैल को वोट डलने हैं और 19 अप्रैल को ये साफ होगा कि आखिर पहले चरण में जो चुनाव हो रहा है उसमें किसका पलड़ा भारी लग रहा है। अलग अलग माहौल जो है जरूर कह रहे हैं, कोई बीजेपी का कह रहा है तो कोई कांग्रेस का कह रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं, युवा भी हैं, कहाँ से हैं आप? बड़े हैं बाल से। अच्छा, यहीं से हैं, क्या करते हैं? ऐसे खेती, प्राइवेट काम। खेती जी। कितना खेत है? खेत ज़्यादा नहीं है सर, लेकिन वही बाहर काम करते हैं हम लोग। बाहर क्या काम करते हैं? मैं सुपरवाइजर पोस्ट हूँ सर। सुपरवाइजर गवर्नमेंट जॉब है? नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट ठेकेदार के अंडर में करते हैं। ठेकेदार के अंदर में प्राइवेट काम करते हैं जी। मतलब रोजगार चल जा रहा है? जी, घर द्वार चल जाता है जी। कुछ योजना का लाभ मिला आपको? योजना का अभी तक लाभ नहीं लिया हूँ सर। हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाई को नहीं मिला है कुछ। पीएम आवास कुछ नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? अब वो पंचायत के हिसाब से नहीं मिला होगा, ध्यान नहीं दिए या कुछ। पंचायत ध्यान नहीं दिया इसलिए? हाँ, अभी तक हम लोग 5 भाई में, सबसे बड़े वाले तो जॉब में, नौकरी में, सरकारी गवर्नमेंट में, तो उनको वो बाहर रहते हैं, किरंदुल में रहते हैं। अच्छा। बाकी 4 भाई हम लोग घर में ही रहते हैं, बट नहीं मिला हम लोग को। उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर मिल रहा था वो मिला? हाँ, वो 1 भाई को मिला है। हम लोग चलो बाहर रहते हैं करके हम लोग फार्म वार्म भर नहीं पाए थे, वो हमारी कमजोरी है, इसलिए हम लोग अभी तक नहीं लिए हैं। बाकी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड जैसे इलाज होता था उसका लाभ? वो कार्ड अभी हम लोग का नहीं बना है सर, बाकी लोग का बन गया। अच्छा, बाकी लोग का बन गया है, आपका नहीं बना? जी। अच्छा, ये जिस तरीके से चुनाव का माहौल चल रहा है, कौन कौन खड़ा है मैदान में जानते हैं? जी, अभी तो कांग्रेस में कवासी लकमा है। हाँ। और बीजेपी में महेश कश्यप है जी। महिलाओं से भी बात करते हैं, आप कहाँ से हैं? अच्छा, मैतारी वंदन योजना का लाभ मिला? मिला है। बाकी किसी चीज का लाभ नहीं मिला? बाकी किसी चीज का नहीं मिला है। वोटिंग करती है? हाँ। महंगाई कैसा है? महंगाई तो ज्यादा ही है।
किचन संभालती हैं आप? हाँ संभालती हूँ। तो किचन का सामान जब खरीदने जाती है तो कैसे पसीना छूट जाता है, पैसा भी नहीं होता है। 1000 जो आ रहा है उससे चलेगा नहीं? नहीं चलेगा, महीना भर कहाँ चलेगा। नहीं चल पाता है ना? नहीं नहीं चलेगा। रोजगार चाहिए क्यों? हाँ महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। सिर्फ 1000 रुपए दे देने से नहीं होता है? नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए महिलाओं को भी जो है रोजगार मिलना चाहिए, ये अपील किया जा रहा है। जिस तरीके से बातचीत हुई और अलग अलग मुद्दों को, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की, कई ऐसे पक्ष में बोले जा रहे हैं, जिस तरीके से सभी यात्रियों से बात हुई और रुझान मिला कि कई लोगों को जो है केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिला है, तो कई लोगों को वो लाभान्वित है, लेकिन लहर जो है वो अधिकतर बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज 24 मध्य छत्तीसगढ़ जगदलपुर।